आज मैं आपके लिए सबसे आसान तरीके से सुपर टेस्टी सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाला पार्ले जी बिस्किट से बिना गैस चलाए चॉकलेट बॉल बनाने की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे आप 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। ये आपको इतना पसंद आएगा कि आप बार बार बनाएंगे, तो क्रिसमस, न्यू ईयर, बर्थडे पार्टी या आपको गिफ्ट देना हो फटाफट बना सकते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी और बहुत आसान इस चॉकलेट बॉल्स को बनाने के लिए मैंने लिया है 10 रुपीज का पार्ले जी का पैकेट। ग्राम में 110 ग्राम है और 20% फ्री है, तो 130 ग्राम हो गया। आप 2 पैकेट का भी बना सकते हैं, या इसके बदले हैप्पी हैप्पी बिस्किट, ओरियो बिस्किट, अपने चॉइस का कोई भी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सी में बिस्किट को डाल के पीस के पाउडर बना लेंगे। पीस लिया है, एक बार छान लेते हैं। छानने के बाद इसमें चॉकलेटी फ्लेवर के लिए आप यहाँ पे चॉकलेट सिर्फ 2 चम्मच डाल सकते हैं, या 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल सकते हैं, या इसके साथ आप कॉफी पाउडर भी डाल सकते हैं 1/2 छोटी चम्मच, या कुछ भी ना हो तो बॉर्नविटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने इच्छा अनुसार कैसे भी बनाए, तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बिस्किट पहले से मीठी होती है, इसलिए मैं चीनी नहीं डाल रही। आप चाहे तो 1 चम्मच यहाँ पे पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, या 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बता रही हूँ ताकि हर कोई बना पाए। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून दूध की मलाई का इस्तेमाल किया है। जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है ना दोस्तों, बस ऊपर से आप ले लीजिए ताकि क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर रहे। अब हाथों से एक बार मिला लीजिए। आप चाहे तो 1 छोटी चम्मच बटर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें रूम टेम्परेचर का उबला हुआ दूध डालेंगे और इस तरीके से मिक्स करेंगे। हमें डो की तरह बनाना है। दूध धीरे धीरे ही डालें 1-1 चम्मच करके, और दोस्तों आप चाहे तो कोको पाउडर के साथ 1 चम्मच चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। तो इस डो को बनाने में मैंने बस 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है, आपको 3 चम्मच भी लग सकता है। अच्छे से मिक्स कर ले, तो देखिए कितना सॉफ्ट नरम डो बनके तैयार है। अब हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। डो का नरम होना बहुत जरूरी है, अगर नरम नहीं होगा तो बॉल्स में क्रैक आ जाएंगे। तो अगर आपका क्रैक आ रहा है तो थोड़ा सा 1/2 छोटी चम्मच दूध डाल के और मिक्स कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें बॉल्स बना लेना है, और आप देख सकते हैं हमने जरा भी घी, बटर, ऑयल कुछ नहीं डाला, सिर्फ मलाई डाला, और कितना चिकना बॉल बन गया जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से हम सारे बना लेते हैं। तो देखिए 10 रुपए के बिस्किट से 8 बॉल्स बन चुके हैं, और मिनी गुलाब जामुन से कम नहीं लग रहा, कितना क्यूट लग रहा है। इसे हम 5 से 10 मिनट डीप फ्रीजर में रखेंगे ताकि थोड़ा सेट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क कंपाउंड, आप अमूल चॉकलेट भी ले सकते हैं, डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं 100 ग्राम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चॉकलेट को हम पहले छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लेते हैं ताकि आसानी से मेल्ट हो जाए। तो चॉकलेट को काट के बाउल में उठा लिया है। आप डबल बॉयलर की हेल्प से चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं, और शीशे के बाउल में ही चॉकलेट मेल्ट करें। तो मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया है, तो आज मैं इसे माइक्रोवेव में ही मेल्ट करूंगी। तो चॉकलेट जल्दी से जमने लगती है, जल्दी से ना जमे, इसलिए आप यहाँ पे 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, या 1 चम्मच मक्खन, दोनों में से कुछ भी डालें, लेकिन डालें जरूर। तो यहाँ पे मैं मक्खन डाल रही हूँ। 30 सेकंड के लिए हम माइक्रोवेव करेंगे। तो 30 सेकंड मेल्ट कर लिया है, और देखिए मैं स्पून से आपको दाब के दिखा रही हूँ किस तरीके से चॉकलेट पिघलना शुरू हो गई है। हम ऐसे मिक्स कर लेंगे और फिर से 30 सेकंड के लिए बस मेल्ट कर लेते हैं। तो बस 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो देखिए कितने अच्छे से स्मूथ हो गया है, और हमने इसमें बटर डाला तो शाइनिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, और ऐसी ही शाइनिंग आएगी जब आप कोकोनट ऑयल डालिएगा। और बस 1 मिनट के लिए हमें माइक्रो करना है, उससे ज्यादा ना करें वरना चॉकलेट खराब हो जाए। अब हम चॉकलेट बॉल बनाना शुरू करते हैं। तो डीप फ्रीजर से मैंने पार्ले जी के बॉल को निकाल लिया है, काफी ठंडे हो चुके हैं। और डेकोरेशन के लिए दोस्तों आप पहले ही कुछ चीज जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब हम
बॉल को चॉकलेट में डिप करेंगे तो बहुत तेजी से ये ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने छोटे स्प्रिंकल, लंबे वाले स्प्रिंकल, सिल्वर बॉल और चोको चिप्स रखा है। मोस्टली घर में ये सब नहीं रहता है तो मैं सिंपल वे में भी आपको डेकोरेट करके बताऊंगी। अब चॉकलेट बॉल बनाने से पहले बटर पेपर या प्लास्टिक इस तरीके से रखें, एक बाउल लीजिए, चॉकलेट में डालिए और इस तरीके से हम कोट कर देते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से कोट हो गया, तुरंत हम चॉकलेट से निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा चॉकलेट इस तरीके से पोंछ लीजिए और कांटे से हम और तुरंत आप इसके ऊपर स्प्रिंकल रख दीजिए, है ना, बहुत ही आसान। फिर से हम एक बाउल डालेंगे और बस उलट पलट के कोट कर लेंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा चॉकलेट पोंछ लीजिए और कांटे से हम धीरे से तो सारे बॉल को हमने चॉकलेट से कोट कर लिया है। और आप ध्यान से देखिए किस तरीके से ड्राई होने लगा है। तो रूम टेम्परेचर पे जब आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा तो सेट हो जाएगा। वैसे आप अगर नीचे प्लेट लगाए तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब बिना डेकोरेशन का हम कैसे सजाएं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्राई हो गया है। इस तरीके से काटा ले और आपको सिंपली ऐसे ऐसे कर देना है। जब ये सूखेगा तो बहुत ही क्यूट दिखेगा। तो 5 मिनट में ही चॉकलेट सेट हो चुके हैं, बहुत आसानी से आ गया। और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है ना वो वापस से खुद ब खुद निकल जाएगा। तो इसे हमने कांटे से इस तरीके से ऊपर से चॉकलेट गिराया ना, तो कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो किनारों का भाग है ना, आप इसे चाकू से हल्का हल्का कटिंग करके शेप दे सकते हो। तो बर्थडे पार्टी हो, बच्चों के लिए क्रिसमस, न्यू ईयर, कोई भी खुशी का मौका हो या फिर आपको गिफ्ट देना हो, तो फटाफट ये चॉकलेट बॉल बनाइए। काफ़ी सस्ता पड़ेगा घर में बनाना और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अंदर से किस तरीके का है मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। तो चाकू से सेंटर पे हल्का सा प्रेशर दीजिए, बहुत आसानी से कट जाएगा। आप अंदर का टेक्सचर देख सकते हैं कितने अच्छे से चॉकलेट की कोटिंग हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, बार बार आप बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ, मेरे साथ वीडियो में। नेक्स्ट रेसिपी में ज़रूर जुड़िएगा। बाय एंड टेक केयर।